संगम नगरी प्रयागराज के सरदार पटेल संस्थान में आयोजित पासी समाज की जनसभा में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस दौरान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने उत्तर प्रदेश सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि सूबे में जंगल राज कायम है, कानून का राज खत्म हो चुका है। उन्होंने कहा कि यूपी में चारों तरफ हत्याएं, लूट, बलात्कार और महिलाओं के साथ होने वाली आपराधिक वारदात आम हो गई है। देखिए, जिस तरह उत्तर प्रदेश में जंगल राज कायम है, कानून का राज समाप्त हो गया है, भय का माहौल है। गोहरी में घटना हुई, पिछले दिनों अमेठी में घटना हुई और उत्तर प्रदेश में तमाम जगहों पर जिस तरह दलितों की हत्या हो रही है, खासकर पासी समाज के एक परिवार के चार लोगों की निर्मम हत्या जिस तरह गोहरी में हुई, अमेठी में हुई, यह दर्शाता है कि उत्तर प्रदेश में कानून का राज समाप्त हो गया है। योगी जी लगातार कानून व्यवस्था की बात करते हैं, गृह मंत्री दूरबीन से अपराधियों को देखने की बात करते हैं। क्या इस तरह का अपराध उनको नहीं दिखाई दे रहा है? कौन सी ऐसी परिस्थिति है? यह परिवार रोज न्याय मांग रहा था, मुख्यमंत्री के कार्यालय में अधिकारियों के यहाँ चक्कर लगाता रहा, फिर भी इस परिवार को न्याय नहीं मिला। आदरणीय प्रियंका गांधी जी जब आई, मौके पर इस परिवार से मिली, यहाँ परिवार के लोगों ने बताया उन्हीं के परिवार का एक लड़का जो देश की सीमा की रखवाली कर रहा है और दूसरी तरफ यहाँ कानून के रखवाले उनके परिवार की हिफाजत नहीं कर पा रहे हैं। ये जंगल राज नहीं तो और क्या है? अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @JMDNewsFlash।